दिल्ली के उत्तम नगर जैन पार्क में रहने वाले एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से और कोरोना महामारी के नियमों का पालन करते हुए की। बेटी के माता पिता पूजा और दीपक ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बेटी को विदा किया। बिटिया प्रीति की शादी में वार्ड 28 एस से महिला मोर्चा की अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की ममता कपूर ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया और बेटी को आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। प्रीति के पूरे परिवार वालों ने भी ममता कपूर का सहयोग देने पर शुक्रिया किया। मेरा नाम प्रीति है। जितने लोग मेरे शादी में आए हैं उन सबको मेरे को आशीर्वाद, उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते जी, मैं ममता कपूर, वार्ड 28 से। जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के चलते हुए जबकि कोई इस टाइम लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन एक बेटी के नाते हमने अपना फर्ज सोचा और जहाँ तक भी हमने उन्होंने हेल्प के लिए बोला, हम उस चीज़ से पीछे नहीं हटे क्योंकि हमारी भी बेटियाँ हैं, हम बेटी का फ़र्ज निभाना चाहते थे, तो इसलिए हमने अपनी बेटी समझ के अपना फ़र्ज निभा रहे हैं यहाँ पे भी। जी देखो, अब आशीर्वाद तो दे रही हूँ लेकिन ये चीज़ें ओपन बताना कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो मेरे से जहाँ तक हो पाया मैंने उनको सहयोग। हाँ बिल्कुल जी, मैं चाहती हूँ कि लड़की अपने परिवार में खूब फले फूले, ताकि जो इस महामारी के अंदर बच्चों की शादी हो रही है उसी को किसी चीज़ की कमी ना आए। हमारा नाम दीपक है, मैं उनका पापा हूँ। हमारे जितने भी आए भाईचारी सब इनके आशीर्वाद दिए और सही सलामत सब अपना आशीर्वाद दिए, कह रहे अपनी मास्क पहनो, मास्क पहन के रखो, हाथ सफाई करो। ममता जी ने हमारे पूरा सहयोग दिया, आए अगले और सब काम करके जाए। ममता जी ने ये जो काम किया है कोरोना काल में, ये बहुत अच्छा किया है, इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। किसी गरीब के बेटी की शादी करवाना बहुत बड़ा काम है, कन्यादान करवाना इससे बड़ा काम नहीं है। मैं अपने तहे दिल से आशीर्वाद देना चाहती हूँ बेटी को कि वो अपने परिवार में फले फूले और खुश रहे। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, आए हम बहुत सेफ्टी पर रखेंगे अपने आप को भी और दुनिया वाले लोगों को भी बताएंगे हम बहुत ध्यान रख रहे हैं। उनको भाई यही कहेंगे अपना बस मास्क पहन के रखे, अपने हाथ दूरी बना के रखे।